वेलकम टू स्टडी माई वे 1221। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर का मतलब होता है तंतु और फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो लेट स्टार्ट चैप्टर 3। अब हमने इन द क्लास 6 यू हैव द लर्न अबाउट द सम फाइबर्स ऑब्टेंड फ्रॉम द प्लांट। हमने क्लास 6 में सीखा है कि किस तरह से जो तंतु होते हैं हमें प्लांट से मिलते हैं। यू ऑल्सो द लर्न द वूल एंड द सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेंड फॉर एनिमल्स। हमने ये भी पढ़ा है कि किस तरह से जो ऊन होती है और सिल्क होते हैं, सिल्क के जो रेशे होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल इज़ द ऑब्टेंड फ्रॉम द प्लीस हेयर ऑफ द शीप या यक। जो भी ऊन होता है वो हमें, प्लीस का मतलब क्या होता है, बाल, जो बाल होते हैं शिप के या याक के उससे हमें मिलते हैं। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। जो सिल्क फाइबर है, सिल्क के तंतु हैं, सिल्क के रेशे हैं, वो हमें कोकून से मिल जाए, जो सिल्क मॉथ एक तरह का कीड़ा होता है उसके कोकून से मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी यील्ड फाइबर्स। आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि जो शिप होता है, जो भेड़ होता है, उसकी बॉडी से कौन सा जो तंतु होता है, मतलब जो ऊन होते हैं वो निकलते हैं, कौन सी बॉडी पार्ट से वो निकलते हैं। आर यू अवेयर हाउ दिस द फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू द वूल एंड यार्न। अब आप ये भी बता सकते हो, क्या आप अवेयर हो, जानकार हो कि किस तरह से जो फाइबर्स होते हैं जो हमें एनिमल्स से मिलती है, रेशे होते हैं, वो किस तरह से बदले जाते हैं वूल एंड यार्न। वूल एंड यार्न मतलब जो भी ऊनी धागे होते हैं, एक होते हैं रेशे और यार्न का मतलब होता है धागे, मतलब ऊनी धागे, धागे बोलते हैं जिनको। और उसके बाद क्या होता है, फिर उसको लपेटा जाता है, ऐसे रील बनाई जाती है और फिर उससे बनता है फाइबर्स। तो रेशे सबसे पहले स्टेज होती है हमारी फाइबर के, तंतु बोलते हैं, रेशे बोलते हैं, जो हमें डायरेक्टली प्लांट या एनिमल से हमको मिलते हैं। अब जो ये इसी फाइबर से, जो सिल्क फाइबर से फिर हमारा सिल्क बनता है विच इज़ वोवन इनटू साड़ी, और उसको बुनकर क्या बनाया जाता है, साड़ी को बनाया जाता है। इन द चैप्टर वी विल द ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं कि किस तरह से ये जो फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं, उसको किस तरह से मतलब सिल्क में, जो सिल्क फाइबर है उस कैसे सिल्क में उसे कन्वर्ट किया जाता है, और जो वूलन होता है किस तरह से उससे क्या बनाया जाता है, हमारे जो भी हम मार्केट में बुने बनाए स्वेटर होते हैं वो किस तरह से वो बनाए जाते हैं। तो इनका सबका आंसर हम चैप्टर में ढूंढेंगे। तो चलते हैं आगे। इसमें दिया हमारा एनिमल फाइबर्स, एनिमल रेशे, एनिमल्स तंतु, वूल और सिल्क। वूल का मतलब होता है, वूल कम्स फ्रॉम द शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो ऊन होती है वो हमें सीप से, भेड़ से, गोट बकरी से, याक से और कुछ अदर एनिमल से भी हम मिलता है। जैसे शीप है तो आप इधर शीप देखें तो इसके एक थिक ग्रोथ होती है एयर की, तो इसमें इसमें पिक्चर में दिखाया गया फिगर 3.2। द वूल यील्डिंग द एनिमल बियरिंग द हेयर ऑन देयर बॉडी। अब जो वूल होती है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल के जो बॉडी होती है, जैसे ऊपर वाला पार्ट होता है आप वो देखोगे तो इसमें जो बाल उगे हुए होते हैं इसी तरह से ये हमें दिखाई देते हैं इसकी बॉडी से। जैसे हमारे सर पे बाल उगते हैं, सेम इनकी बॉडी, हमारे सर पे तो इनकी बॉडी में इस तरह से ये बाल होते हैं। डू यू नो कि वाई दिस एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ द हेयर। क्या आप जानते हो कि किस तरह से जो एनिमल होते हैं इनकी जो मोटी परत होती है एयर की वो क्यों होती है। तो हेयर ट्रैप्ड इन लॉट ऑफ हेयर, जो बाल होते हैं वो हवा को क्या करते हैं, रोक के रखते हैं। भाई हवा को जो रोक के रखेंगे तो उसके बॉडी में नहीं जाएगा। अब जो ये कहाँ पे रहते हैं, मोस्टली कोल्ड रीजन में रहते हैं। अब जैसे वहाँ की जो सर्दी होती है, जो इसके बाल होते हैं ये, तो वे एयर को ट्रैप कर लेंगे। जब एयर को ट्रैप करेंगे तो इसकी बॉडी तो मतलब वहीं पे रोक के रख लेंगे उस हवा को जो ठंडी हवा होती है, और उसकी बॉडी तक जाने देगा। लेकिन वो क्या होगा कि इसीलिए जो इसकी बॉडी होती है शीप की वो उसको वार्मनेस रहने देती है, उसको गर्म रहने देती है। अब इसमें दिया है कि एयर, जो एयर है, हवा है, पोर कंडक्टर होती है हीट की, मतलब जो गर्मी होती है उसकी पोर कंडक्टर होती है, एज यू वुड इन द चैप्टर। अब हम कहाँ पढ़ेंगे इसको, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, जो हीट का चैप्टर है, तो उसको आप और भी जाते हैं डिस्क्राइब हो जाएगा किस तरह से जो एयर है, हवा है, वो पोर कंडक्टर है हमारी हीट की। सो हेयर कीप्ड दिस एनिमल वार्म। इसलिए जो ये बाल होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनको, इनकी बॉडी को वार्म करते हैं, क्योंकि ये ठंडी को आने ही नहीं देते। वूल इज ड्राइव फ्रॉम द दिस हेयरली फाइबर्स। जो ऊन होती है वो हमें, जो ये बाल वाले जो रेशे होते हैं, बाल वाले जो
जैसे भेड़ के बाल हैं, तो ये जो होता है हमारा जो जो फाइबर्स होते हैं इसके, हेयरली का मतलब, या इसको प्लीज बोलते हैं, इसकी बॉडी से हमें मिलती है वूल। अब इसमें एक्टिविटीज 3 में देखेंगे, 3.1 में इसमें क्या दिया है, फील द एयर ऑफ योर बॉडी। आपको क्या करना है, अपने बालों को जो आपकी बॉडी में है तो आप उसको फील करना है, एंड आर्म जो आपकी भुजा में है, एंड देयर ऑन द हेड और जो आपके सर पे है। भाई तीन तरह के हमारे शरीर पे बाल होते हैं, हमारे हाथ पे बॉडी होते हैं, मेरे बगल बगल में पार्ट होते हैं, मेरे पैर में पार्ट होते हैं, हमारे हेयर में हेड में पार्ट होते हैं। तो आप क्या देखो, क्या इसमें कुछ डिफरेंसेस है, तो हम उसको डिफरेंस देखेंगे। यस, आप देखोगे कि जो हमारी हमारे जो हाथों में है और हमारे जो पैर में, वो थोड़े सॉफ्ट होंगे, लेकिन हमारे सर पे क्या थोड़े हार्ड टाइप में बाल होंगे। तो विच वन सीम इज द कोर्स एंड विच इज द सॉफ्ट। अब आप देख सकते हैं कौन कौन से हमारे हमारे कोरस, कोरस मतलब होते हैं हार्ड, कि कौन से हमारे बाल हार्ड होते हैं और कौन से हमारे कोमल होते हैं या सॉफ्ट होते हैं। तो एक्टिविटीज देखेंगे हम कुछ करके, फिर हम देखते हैं लाइकस। जैसे हेयरली स्किन ऑफ द शीप हैज द टू टाइप ऑफ फाइबर्स दैट आर फॉर्मेड इज द प्लेस। जैसे हमारे जो बाल होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक तो कोर्स होते हैं और एक होते हैं हमारे सॉफ्ट होते हैं, इसी तरह के जो बाल होते हैं शीप के, वो भी टू टाइप से होते हैं। एक तो हमारे कोर्स होते हैं, कोर्स बियर्ड है, कोर्स बियर्ड का मतलब जो भी इज शीप होते हैं, इनके दाढ़ी वाले बाल होते हैं वो वाले तो कड़े होते हैं, हार्ड होते हैं। एंड द जो फाइन सॉफ्ट अंडर द हेयर क्लोज टू स्किन, और जो दूसरे जो बाल होते हैं जो उसकी स्किन से काफ़ी नज़दीक होते हैं, जैसे उसकी बॉडी पे होते हैं, जैसे इसमें चैप्टर में ही दिखाया गया है, जो इसकी बॉडी में जो क्लोज बाल होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, और जो इसकी बियर्ड होती है, जो दाढ़ी होती है, उसमें काफ़ी हार्ड होते हैं। अब इसमें आगे दिया है कि जो फाइन हेयर होते हैं, अच्छे बाल होते हैं, प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जो भी अच्छे बाल होते हैं, जो उसके बॉडीज के पार्ट होते हैं, वो हमें ऊन बनाने के लिए हमारी सहायता करते हैं, ऊन बनाते हैं उससे। सम ब्लीड्स ऑफ द शीप प्रोसेस ओनली द फाइन हेयर। कुछ जो मतलब जो शीप होती है, शीप जो पाली जाती है, ओनली हमें एक अच्छे बालों के लिए, अच्छे ऊन के लिए हमें उनको पालते हैं, ताकि हम उनसे ऊन मिल सके अच्छी। अब देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव इन द बर्थ टू सीफ विच हैज द ओनली द सॉफ्ट अंडर देयर। उसमें क्या होता है कि जो भी जिस भी भेड़ के जो भी बाल काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी चुने जाते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के जो बाल होते हैं उनके, वो रखते हैं अपनी स्किन पर, ताकि हमें उससे ओपरेंट हो सके, और जो उसके आगे जो बच्चे होंगे तो वो भी अच्छी प्रोवाइड क्या करेंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे, फाइबर्स को प्रोवाइड करेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द पेरेंट्स, जो भी हमारी जो प्रक्रिया है चुनने की पेरेंट्स को, ऑपरेटिंग स्पेशल करेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, कि जैसे हम अच्छी नस्ल के जो क्या करेंगे, पेरेंट्स को चुनेंगे जो शीप की, तो सेम उसी तरह के जो उनके बच्चे होंगे, ठीक है, और वो भी हम उसी तरह की सॉफ्ट जो हेयर है वो प्रोवाइड करेंगे। सच एज द सॉफ्ट अंडर द हेयर इन द शीप इज द टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जो भी ये सॉफ्ट हेयर वाले जो भी पेरेंट्स होते हैं, शीप होते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं उसको हम सेलेक्टिंग ब्रीडिंग बोलते हैं। हम सेलेक्टिंग ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि उन पेरेंट्स को हमने चुना और उसी के उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके बच्चे भी उसी टाइप के होंगे, तो हम उनको अलग तरह से सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। एनिमल्स दैट यील्ड फूल, जो एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है, आप देखते हैं। अब सेवरल जो ब्रीड ऑफ द शीप आर फाउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जो बहुत सारी जो ब्रीड होती है, मतलब जो पाली जाती है भेड़ों को अलग अलग रीजन में हमारी कंट्री में। हाउएवर द प्लीज ऑफ द शीप इज नॉट द ओनली द सोर्स ऑफ ऊन। जो प्लीज होते हैं, जो पाल होते हैं शीप के, वो केवल एक ऊन का सोर्स नहीं होता। थ्रू द वूल द कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट। और क्या होता है कि जो वूल होता है जो कॉमनली जो हम मार्केट में देखते हैं, जो शीप वूल होते हैं, वो आर्स द कॉमनली इन द तिब्बत लद्दाख, मतलब जो मार्केट में जो भी हमारे ऊन अवेलेबल होती है वो केवल हमारे शीप वूल से ही नहीं होती, वो हमें याक से भी मिलती है, जो हमारे तिब्बत और लद्दाख में के रीजन में रहते हैं। अब मोस्टली जो ऊन होती है वो मतलब यहाँ से क्या होती है कि जो एक अंगोरा अंगोरा नाम की गोट होती है, उससे भी हमें मिलती है, एंड फाउंड हिली एरिया, और जो हिली एरिया में मिलती है, जो हमारे जम्मू कश्मीर, उससे भी हमें ऊन मिलती है। तो जो वूल होती है हमें शीप से भी, याक से भी, और हमारा गोट से भी मिलती है, कहीं कि तो हम जो मतलब ऊंट होता है तो उससे भी ऊन मिलती है। अब जो आगे देखते हैं इसमें, वूल इज आल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम द गोट एयर। जो
ऊन होती है वो हमें किससे, बकरी के बालों से भी मिलती है। जैसे इसमें दिया हुआ है ये इसकी वजह से मिल रही है, हमारा अंगोरा अंगोरा गोट है इससे भी हमें मिलती है। द अंडर फर ऑफ द कश्मीरी गोट इज द सॉफ्ट, जो भी इसका जो कश्मीरी जो गोट होती है उसके जो बाल होते हैं, जो फर होते हैं, रुआ होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी कोमल होता है। इट इज़ वोवन इन टू द फाइन सोल्स एंड कैप पश्मीना सोल्स, और जो इस फाइन जो रेशे होते हैं, जो इसके जो बाल होते हैं गोट के, उनसे काफ़ी स्पेशल प्रकार की सोल्स बनती है, और जिसको हम पश्मीना सोल्स बोलते हैं। जो फर होते हैं या एयर होते हैं वो उसकी जो बॉडी कैमल के भी हम यूज करते हैं, और उससे भी हमें वूल मिलती है, जो लामा एंड अलपाका, जो अलपाका और जो लामा है उससे भी हमें क्या मिलती है, वो हमें ऊन मिलती है, जो साउथ अमेरिका में ये मिलती है। अब आगे देखते हैं हम एक्टिविटीज़ 3.2। कलेक्ट द पिक्चर ऑफ द एनिमल हुज द हेयर इज द यूज एज द वूल, हमें क्या करना है, पिक्चर को ऊन एनिमल की कलेक्ट करना है जिससे हमें, जिनके बालों से हमें ऊन मिलती है। स्टिक दैम इन द योर स्क्रैप बुक, आपको क्या करना है वो अपने स्क्रैप बुक में चिपकाना है। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट द पिक्चर, यदि आपको पिक्चर नहीं मिलती है तो ट्राई करो, आप प्रयत्न करो कि ड्रॉ दैम फ्रॉम द वंस गिवन इन द बुक। आपको क्या करना है, जो भी इस बुक में दो भी पिक्चर दिए उसको ड्रॉ करने के लिए आप ट्राई करो, यदि आपको पिक्चर नहीं मिलती है, उसकी कलेक्शन नहीं मिलती है। अब आपको क्या करना है, फाउंड आउट ए वर्ड, हमें वर्ड फाउंड आउट करने हैं, ढूंढने हैं, जो भी शीप के हैं, हमारे गोट के हैं, कैमल के, या के इन योर लोकल लैंग्वेज, जो भी हमारी इधर क्षेत्र में जो भी बोली जाती है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, इनको शीप को, गोट को, कैमल को और याक को क्या बोलते हैं, ये अदर लैंग्वेज में कंट्री में इनको क्या क्या बोला जाता है, तो इनके वर्डों को हमें देखना है। हमारी जो नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है कॉमनली, जो दिल्ली है, दिल्ली रीजन में, तो वहाँ पे मोस्टली सभी लैंग्वेज बोली जाती है, तो हिंदी में मोस्टली इसको यही बोला जाता है। आगे इसमें हमारा याक, तो इसी में हमारा याक दिया हुआ है ये, इसमें हमारा लामा बोल रहा है, और ये हमारा कैमल है, और ये हमारा अल्पाका है जिससे हमें वूल मिलती है। अब हम आए हैं एक्टिविटीज़ 3.3। अब प्रोसीड्यूर द आउटलाइन द मैप ऑफ द इंडिया, हमें प्रोसीड्यूर करना है, आउटलाइन करनी है इंडिया के मैप में एंड द वर्ल्ड में, एंड फाइंड आउट द मार्क इन द प्लेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड द एनिमल दैट प्रोवाइड वूल, हमें क्या करना है, एक इंडिया के मैप को देखना है मतलब इंडिया का मैप में देखना है, और फिर देखना कौन कौन से रीजन में हमें उस तरह का एनिमल मिलता है जिससे हमें वूल मिलता है, और दूसरी कंट्री के वर्ल्ड के भी मैप को देख के हमें ढूंढना है। फिर हमारे इसमें दिया कि फाइंड आउट द मार्क इन द प्लेस ऑन द मैप वेयर द फाइन एनिमल प्रोवाइड वूल, हमें वो वाले एनिमल्स को ढूंढना है कि जिनसे हमें काफ़ी अच्छे प्रकार की एयर की वूल मिलती है। यूज़ द डिफरेंट कलर ऑफ द डिनोट द लोकेशन एंड डिफरेंट वूल यील्डिंग द एनिमल, आपको क्या करना है, अलग अलग कलर को यूज़ करना है उनकी लोकेशन को डिफाइंड करने के लिए, जिनसे हमें अलग अलग तरह की उन्हें मिलती है एनिमल्स के हेयर से। अब आता है हमारा फ्रॉम फाइबर टू वूल, कि किस तरह से तंतु होते हैं हमारे, मतलब फाइबर्स का होता है हमारा तंतु, या बोलते हैं इसको हम रेशे, और इससे किस तरह से हमें क्या मिलती है, हमें ऊन मिलती है। फॉर ऑब्टेनिंग द वूल शीप आर रियर, मतलब हमें ऊन को पाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो शीप को पालना पड़ता है, देयर हेयर्स कट, फिर उसके बालों को कट करना होता है, एंड द प्रोसीड इन टू द वूल, और फिर हमें उसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो कुछ प्रक्रियाओं को पोर्सूटों का ऊन में कन्वर्ट हो जाता है। लेट अस लर्न अबाउट द प्रोसेस, चलो हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं इसकी प्रोसेस के बारे में, किस तरह से फाइबर से वो वूल में कन्वर्ट होता है। अब हम पढ़ते हैं रियरिंग एंड द ब्रीडिंग ऑफ द शीप, आपको क्या करना है कि रियरिंग मतलब पालना, ब्रीडिंग का मतलब पढ़ाना, उनके बच्चों को पढ़ाना किस तरह से, जब पालेंगे तो उनके जैसे बच्चों की हम ब्रीडिंग करेंगे। इफ़ यू ट्रेवल टू द हिली इन द जम्मू एंड कश्मीर, क्या आपने कभी ट्रैवल किया है जो जम्मू कश्मीर के हिल एरिया में, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, अरुणाचल प्रदेश है, और हमारा सिक्किम है, और द इन द प्लेन हरियाणा, और हरियाणा के प्लेन में है, पंजाब में, राजस्थान, गुजरात, यू कैन सी इन द सेफर्ड टेकिंग द देयर द हेड ऑफ द शीप फॉर ग्रेजिंग, हमने देखा है कि इन तरह के रीजन में क्या है कि जो सेफर्ड होता है, सेफर्ड का मतलब होता है चरवाहे, जो चरवाहे होते हैं वो मतलब हेड का मतलब होता है कि जो इन शीपों के शीप के क्या होते हैं झुंड, शीपों के बहुत सारे झुंडों को क्या करते हैं, ग्रेसिंग का मतलब चराने के लिए ले जाते रहते हैं। शीप
आर द हर्बिवोरस। सीप क्या होते हैं? हर्बिवोरस होती है, मतलब जो केवल फूल पत्ती प्लांट्स को खाते हैं। एंड द प्रिफेर इन द ग्रास ओनली, और ज़्यादातर उसको क्या प्रिफेर किया जाता है? उसको घास और पत्तियाँ। अपार्ट फ्रॉम द ग्रेजिंग द सीप, ये इसका जो ग्रेजिंग होते हैं, जो इनका चराने का काम होता है, यही इसका एक हिस्सा होता है। एंड रियर आल्सो इन द फीड दैम ऑन द मिक्सचर ऑफ द प्लस। और इसके साथ क्या होता है कि जो भी हम ये जो पालते हैं, जो शीप पालते हैं, तो ये क्या होते हैं इनके खाने के लिए, और भी हम मिक्सचर को यूज़ करते हैं जो इनको खिलाते हैं। जब प्लसिस दाले होते हैं, कॉर्न होते हैं, मक्का होता है, ज्वार हो जाए, ऑयल केक्स होते हैं जिसको हम खल भी बोलते हैं, जो मोस्टली हमारे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, तो उनको खिलाते हैं वो खल्स। और उससे क्या होता है कि जो हमारे जो देखो जो हमारी मतलब सरसों होती है, तो सरसों से जो उसको ग्राइंड करके तो क्या हो जाता है, कुछ तो उसमें तेल निकल जाता है, तो जो बाकी का जो बचा उसको सोली जो मेटेरियल होता है उसी को हम खल बोलते हैं या ऑयल केक्स बोलते हैं। लेफ्ट आफ्टर द टेकिंग आउट द ऑयल फ्रॉम द सीड, देखो मैंने ये बताया कि सरसों की जो सीड होते हैं, मस्टर्ड जो हमारी मस्टर्ड ऑयल होती है, मस्टर्ड जो सीड्स होती है, क्या करती है जब हम उसको क्या करते हैं पीस करते हैं, तो उससे कुछ तेल निकल जाता है, बाकी का जो बच जाता है वो हमारे क्या होता है, ऑयल केक होता है। एंड द मिनरल्स, और मिनरल्स होते हैं कुछ जो खिलाते हैं हम इनको, भेड़ों को। इन द विंटर द शीप आर द गिफ्ट इनडोर, जो सीप होते हैं वो हमको हमें ठंड में क्या करते हैं, उनको अंदर ही रखते हैं, द फैट ऑन द लीव, और हम उनको पत्ते खिलाते हैं, ग्रीन अनाज खिलाते हैं, और सूखे सूखे जो चारा होते हैं उनको वो खिलाते हैं। आगे क्या होता है, जो शीप होता है, शीप आर द रियर्ड इन द मैनी पार्ट ऑफ आर कंट्री फॉर द वूल, जो शीप होता है वो पाली जाती है हमारे भारत में, हमारी जो कंट्री है उसमें पाली जाती है अलग अलग जगह पर, ताकि हम उनसे ऊन ले सकें। टेबल 3.1, अब 3.1 में क्या दिया गया, नेम दिया गया कुछ ब्रीड ऑफ शीप का जो पाली जाती है हमारी कंट्री में, और जिससे हमें क्या होता है वूल प्रोवाइड होती है। तो क्वालिटी एंड द टेक्सचर, जो भी उसकी गुणवंत होती है, क्वालिटीज होती है, टेक्सचर होता है, उसको डिज़ाइन होता है, जो भी रेशे होते हैं वो हमें इनसे मिलते हैं, जो हमें इस टेबल में इंडिकेट किया गया। सर्टेन जो ब्रीड्स ऑफ द शीप हैव द थिक कोट ऑफ द हेयर, कुछ जो ब्रीड होते हैं जो शीप के होते हैं वो काफ़ी मोटी मोटी हेयर की परत को रखते हैं अपनी बॉडी में। विच इल्ड वूल क्वालिटी द वूल इन द लार्ज क्वान्टिटी, इसलिए हमें ज़्यादा क्या मिल जाती है, जब उनके थिक लेयर्स होगी तो थिक सवाल होंगे, तो उससे हमें ज़्यादा क्वान्टिटी में वूल। अब इसमें टेबल में हमारा सम इंडियन तो ब्रीड्स है शीप की, तो अमने मो तो ब्रीड्स लोई है, और इसे हमें ग्रोवल्टी वूल मिलते हैं राजस्थान पंजाब में मिलती है, ये रामपुर बस हेयर थी ब्राउन प्लेस मिलती है इससे, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में नाली कारपेट वूल की मिलती है इससे, और हमारे क्या होती है राजस्थान हरियाणा पंजाब में। फिर हमारी बखवाल है, उससे हमारे वूलन सोल बनाए जाते हैं, और जम्मू कश्मीर में मिलती है। फिर हमारी मारवाड़ी है, खोस फूल मिलती है जो काफ़ी हार्ड होती है, ये गुजरात में पाई जाती है, गुजरात में पाली जाती है। दूसरा हमारे पटन वाली है, होजरी के लिए, होजरी की मिलती है सोन, और ये हमारे गुजरात में मिलती है। अब आगे हम इसमें देखते हैं इन द मेंशन, इसमें जो दिया था कि एज द मेंशन अर्लियर, जो भी हमें अभी जो हमने मेंशन किया है, दी शीप आर द सेलेक्टेड द ब्रीड्स विद द वन पेरेंट्स द बींग द शीप द एक गुड ब्रीड्स, इसका मतलब क्या होता है कि जो मैंने पहले पढ़ा है कि एक अच्छी अच्छी जो शीप को सिलेक्ट करना और उसे ब्रीड कराना, यही हमारे सेलेक्टिव ब्रीड्स होती है। वंस द रियर द शीप हैव द डेवलप इथ द थिक ग्रोथ ऑफ द एयर द हेयर इज द सेव्ड ऑफ द गेटिंग द वूल, जब ये जो भेड़ पाली जाती है और काफ़ी मोटी जो ग्रोथ बालों की इस पर उग जाती है, तो उसके बाद हम सेव्ड करते हैं, उसको काट लिए जाते हैं बालों को, उससे हमें वूल मिलती है। अब प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है कि हमारे जो फाइबर से हमारी जो वूल बनती है, द वूल विच इज़ द यूजिंग फॉर द निटिंग, जो वूल होती है वो किस मतलब प्रयोग की जाती है मतलब निटिंग के लिए, ताकि निटिंग स्वेटर के लिए, और द वीविंग द शॉल और शॉल को बुनने के लिए। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज द गुड प्रोसेस विच द इन्वॉल्व इन द फ्लॉइंग स्टेप, जो भी ये निटिंग वाली प्रोसेस होती है किस तरह से होती है, तो ये पूरी तरह से बनाएगी फाइबर से वून तक कौन सी प्रोसेस होती है, तो उसको वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले हमारा है स्टेप वन, द प्लीज ऑफ द सीप अलोंग विद द इन द थिन लेयर ऑफ द स्किन इज द रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, कि जो ये प्लीज्ड होती है ऊन होती है, जो सीप की जो पतली सी परत होती है स्किन की, उससे हटाई जाती है। दिस प्रोसेस आर द शेयरिंग, इसको शेयरिंग बोलते हैं, जिस तरह से हमारे जो बाल होते हैं, हमारे सर के बाल होते हैं, उसको कटने से दर्द नहीं होता, इसी तरह से शीप होती है इनके भी जो ये बाल वूल होती है, एक डेड होती है, ये तो डेड स्किन टाइप में होती है, तो इससे भी इनको दर्द नहीं
नहीं होता। मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाई बार्बर आर द यूज द सेव ऑफ द हेयर। जैसे ही एक बार्बर होता है, नाई होता है, वो हमारे बालों को शेव करता है, काटता है, उसी तरह के इनके लिए भी एक मशीन होती है ताकि इसके बालों को सेव ऑफ कर सकते हैं। यूजली हेयर आर द रिमूव ड्यूरिंग द होट। मोस्टली क्या होता है कि जो बाल है वो गर्मी के मौसम में हटाए जाते हैं, गर्मी के उसमें, तो दिस दिस अनेबल द शिप टू सर्वाइव विदाउट इन देयर इन द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ देयर। इस जो गर्मी में क्या होता है कि जो शिप होती है वो सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि उनके जब हम शेव कर लेते तो बिना बालों के भी वो रह सकती है। अब जो बाल होते हैं प्रोवाइड, वो क्या करते हैं, वूलन फाइबर, जो ऊनी रेशे को वो हमें प्रोवाइड करते देते हैं। वूलन फाइबर आर देन द प्रोसेस टू ऑब्टेन द वूलन यार्न। उसके बाद के जो फाइबर्स होते हैं, जो ये तंतु होते हैं, रेशे होते हैं, इसके बाद क्या बना जाते हैं, ऊनी धागे बनाए जाते हैं, ऊनी धागे बनाए जाते हैं। तो शियरिंग डज नॉट हर्ट। तो शियरिंग करना, जैसे हम इसके बालों को कट करते हैं, तो इससे क्या होता है, वो हर्ट नहीं होते शीप को, जस्ट एज इट इज डज नॉट द हर्ट विद द यू गेट द हेयर द कट एंड द यू फॉर द सेट ऑफ इज द बियर्ड। जिस तरह से जो हमारे बाल बाल के जो सर के बाल होते हैं उसको सेट ऑफ करने से दर्द नहीं होता, या हमारे जो पिताजी होते हैं जब वे अपनी बियर्ड अपने दाढ़ी के बालों को हटाते कट करते दर्द नहीं होता, इसी तरह से जब हम इन शिप वगैरह के बालों को हटाते हैं तो उनको भी दर्द नहीं होता। डू यू नो वाई, क्या तुम जानते हो क्यों, क्योंकि क्या होते हैं कि जो पाल्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, डेड होते हैं। जैसे हमारे नेल्स होते हैं वो भी हमारे डेड स्किन होते हैं, जिससे हमें कट करने से दर्द नहीं होता। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, क्योंकि उसकी जो ऊपर वाली जो लेयर्स होती है स्किन की वो डेड होती है, क्योंकि जो बाल होते हैं वो एक पतली सी लेयर के साथ अटैच होते हैं। आल्सो द हेयर आर द शिप ग्रो अगेन जस्ट एज द योर हेयर द वन। जैसे आप मतलब जो बाल होते हैं शिप के दोबारा आ जाते हैं, जिस तरह से हमारे बाल एक बार कट करने के बाद दोबारा आ जाते हैं। अब शेयर्ड करा, उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या था, शेयर्ड स्किन विद द हेयर इज द थ्रोली द वॉश्ड इन द टैंक इन द रिमूव द ग्रीस इन द डस्ट एंड डर्टी। मतलब अब शेयरिंग के बाद जैसे बाल को कट हो गया, उसके बाद क्या होता है कि जो भी वो हेयर होते हैं उनको टैंकों में धोया जाता है ताकि उसमें से ग्रीस निकले, डस्ट धूल मिट्टी निकल सके, डस्ट और डर्टी। इट इज कॉल्ड द स्कोरिंग, इसको बोलते हैं स्कोरिंग। पहले क्या था, सीयरिंग, और दूसरा क्या होगा हमारा, स्कोरिंग। नाउ डे स्कोरिंग इज द डन बाय द मशीन। आजकल तो क्या होता है कि जो शेयरिंग मतलब स्कोरिंग होती है मशीनों के द्वारा की जाती है। अभी हम इसमें देख सकते हैं हमारा फिगर 3.8B और सी। देखो बी, इसमें बी दिया हुआ, ये इस तरह से, ये पहले तो शेयरिंग किया इसने, इसके बाल को हटाया, उसके बाद इन्हें स्कोरिंग किया, टैंकों में इनको धोया, और तीसरे में क्या होता है कि एक वैसे दोनों होता है और दूसरे मशीन के द्वारा भी दोनों होता है। उसके बाद क्या होता है, रोलिंग इनटू यार्न और फिर उसको धागों में उसको रोल किया जाता है। फिर इसमें आगे आया, इसमें अब हमारा इसमें थर्ड स्टेप है आफ्टर। अभी कह रहे हैं कि आफ्टर द स्कोरिंग द सॉर्टिंग इज द डन। अब जब स्कोरिंग हो जाएगी, धो गई होगी, तो सॉर्टिंग की जाती है। द हेयरली स्किन इज सेंट इन द फैक्ट्री वेयर द हेयर द डिफरेंट द टेक्सचर ऑफ द आर इज सेपरेटेड इन द सॉर्टिंग। इसके बाद क्या होता है, जब हमने स्कोरिंग कर लिया, उसको अच्छी तरह से धो लिया, तो हम जो हेयर होते हैं उसको अलग अलग वैरायटी के, जैसे हमारा कौन सा होगा, तो कुछ तो कोर्स हो गया और कुछ हमारा क्या होता है सॉफ्ट होगा, या फिर कुछ के टेक्सचर कुछ अलग होंगे, उसके अगर उसको सॉर्टिंग किया जाता है कि जिस तरह के जो टेक्सचर होते हैं उसी टाइप से उसको हम अलग करते हैं। जैसे हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि सॉर्टिंग किस तरह से, एक सिमिलर जो मेटल्स होते हैं उनको अलग करते हैं, दूसरे तरह के अलग करते हैं, जैसे प्लास्टिक के हमने अलग करे थे, मेटल के अलग करते, इसी तरह से जो वूल होते हैं उसके हार्ड और सॉफ्ट हेयर के अनुसार हम उसको टेक्सचर के अनुसार उसको अलग अलग उसकी सॉर्टिंग करते हैं, उसके बाद हम उसको फैक्ट्री में भेज देते हैं। अब फोर्थ स्टेप क्या है, द स्मॉल द पफी फाइबर, जो ये पफी फाइबर्स होते हैं, मेरे सॉफ्ट से फाइबर्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पर बोलते हैं। अब जो इनको क्या बोलते हैं, जो हमारे स्मॉल पफी फाइबर्स होते हैं उसको बर बोलते हैं, और जिसको हम कहाँ से हटा ले, जो भी हेयर होते हैं, हेयर के जो हमारा ग्रुप्स होता है, जो भी हमने उसमें स्कोरिंग करके किया है, तो उसमें से उसको हम फाइंड आउट करते हैं, पिक कर लेते हैं। दीज आर द इन द सेम द बर विच समटाइम द अपियर ऑन द ईयर ऑफ स्वेटर। कभी कभी आपको कभी दिखाई देंगे जो बर होते हैं ये, तो ये क्या देखिए, कभी कभी आपको ये मतलब अपने जो आपके जो स्वेटर्स होते हैं उस पर छोटे छोटे दिखते होंगे ना, आप थोड़े छोटे छोटे से वो अलग अलग से निकले होते हैं हमारे इसमें स्वेटर्स वगैरह में, कभी आप ध्यान से देखना। द फाइबर आर स्कोरिंग अगेन, फिर क्या किया जाता है, उसके बाद भी इसको सॉर्टिंग करने के बाद फिर उसको एक बार दोबारा फिर उसको
क्या क्या है इसको, क्या फिर इसको धोया जाता है, टाइम पर सफाई की जाती है, उसके डर्ट वगैरह निकालने का, और फिर उसको सुखाया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू ड्रोन इनटू फाइबर्स। अभी क्या हो गया है कि जो ये हमने फाइबर्स साफ सूफ हो गए, सब कुछ हो गए, तो अब ये क्या होगा, वूल ये हमारी रेडी हो गई है। अब जो ये फाइबर्स होते हैं कैन बी डाइड इन द वेरियस कलर। अब जो भी हमारा जो बना है ये वूल बनी है, अब हम उसको जो भी नेचुरल जो प्लीज होती है सीप की या गोट की, हमारे ब्लैक ब्राउन या व्हाइट में हमें मिलते हैं, लेकिन हम क्या कर देते हैं उसको अलग डाई डाई करके अलग कलर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसमें फोर्थ स्टेप है द फाइबर आर स्ट्रेंथन। हमें जो फाइबर्स को सीधे किया जाता है, कोम किया जाता है, रोल किया जाता है यान में, जैसे 3.8 में दिया गया, एंड द लोअर द फाइबर आर मेड इन टू द वूल फॉर स्वेटर। और जो लंबे लंबे जो रेशे होते हैं ऊन के, उनको लंबे लंबे रेशों को क्या किया जाता है, उससे वूल बनाई जाती है ताकि उनसे स्वेटर बुन सके। एंड द स्वेटर फाइबर्स आर स्पन, और जो छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं उनको बुना जाता है, और फिर उनको वूलन बुन बुन कर उनको क्या होता है, छोटे छोटे जो फाइबर्स होंगे भाई, एक एक बनाया हमने, लॉन्गर फाइबर बनाया, फिर उन सबको जोड़ के हमने क्या क्या बुना, और फिर उससे हमारे ऊनी कपड़े तैयार हुए। अब इसमें ये रोलिंग इन टू द यार्न, ये जो मैंने आपको बताया था डी में। अब इसके जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ द फाइबर इन टू द वूल कैन बी द रिप्रेजेंट फ्लॉविंग। जैसे सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है फाइबर की वूल तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक दो तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी का जो इसके पॉइंट्स है वो तो है ही। शियरिंग है, स्कोरिंग है, सॉर्टिंग है, एंड द क्लियरिंग। अब क्लीनिंग द बर, इनको बर को क्लीन किया जाता है, फिर रोल किया जाता है, और यदि पॉसिबल तो हम फिर उसको टाई भी कर सकते हैं अलग अलग उसको कलर में। अब इसमें एक बॉक्स दिया हुआ है, ये हमें ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स होता है, ये कि जो हम मतलब काम करते समय जो भी हमें पर हमारे लिए खतरनाक हो जाता है वो चीज़ है। तो वूल इंडस्ट्री इज़ द इंपॉर्टेंट द मेन द लाइवलीहुड ऑफ द मैनी द पीपल इन द कंट्री। हमारे जो देश में बहुत सारे जो लोग होते हैं उनकी जीविका चलाने के लिए जो इंडस्ट्रीज होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। बट इन द शॉर्टर जॉब, लेकिन जो ये जॉब काफ़ी शॉर्टर होती है, रिस्की होती है, काफ़ी जोखिम भरी होती है, एंड समटाइम दे गेट द इन्फेक्टेड बाई ए बैक्टीरियम। हमें एक हम इससे क्या हो जाते हैं, एक इन्फेक्टेड हो जाते हैं एक बैक्टीरियम के द्वारा, जिसको एंथ्रेंस बोलते हैं, एंथ्रेंस नाम के बैक्टीरिया से, विच इज़ कोजेज ए द फैट ऑफ द ब्लड डिजीज। ये जो बैक्टीरियम है ये क्या करता है, हमारा काफ़ी घातक, मतलब फैटल का मतलब क्या होता है, घातक, जो घातक हमारी जो ब्लड है हमारे खून की बीमारी को पैदा करता है, इसको हम शॉर्टर डिजीज भी बोलते हैं। अब ये क्या है, सच रिस्क द फेस बाय द वर्कर। ये जो रिस्क है, जोखिम है, ये वर्कर के द्वारा क्या किया जाता है, फेस किया जाता है, सामना किया जाता है किसी भी इंडस्ट्री में, इसी को हम ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि ये काम करते समय जो भी ये परेशानी होती है, जो भी जोखिम होते हैं, इसलिए हम इसको ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स बोलते हैं। अब इसमें आया है, ये कह रहा है कि बूजो इज द वंडर की वाइट इज द हार्ट। बूजो एक अच्छे अच्छे कहते हैं कि क्यों वो हर्ट होता है, पैन द समाइम द पुल हिज द हेयर, जब मतलब उसके जो बालों को खींचा जाता है, बट नोट वैन इट इज नॉट द हेयर कट। लेकिन जो जब हम बाल को खींचते हैं तो क्या होता है, वो तो उससे तो हमें दर्द होता है, लेकिन जब हम कट करते हैं उससे दर्द नहीं होता। अब बूजो इन द वंडर वाई इन द कॉटन द गारमेंट कैन नॉट द कीप ड्रेस वार्म इन द विंटर एज द वूल इन द स्वेटर। बूजो किस तरह से आश्चर्यचकित रहता है कि जो हमारे जो कॉटन गारमेंट्स हैं हमें वार्म क्यों नहीं रख पाते, जैसे हमें वूलन स्वेटर्स रखते हैं। अब हमारा एक्टिविटीज 3.4 है। अब डिबेट, हमें क्या करना है, डिबेट करना है अमंग द योर क्लासमेट से वैन इट इज़ हेयर ऑन द पार्ट ऑफ हुमैन वॉट इज योर सी। अब हमें आपस में क्या करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, क्या ये सही है कि हम जो मानव है वो सीप को पालता है उसके अच्छे बालों के लिए, एंड देन इन द चॉप्ड ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल, और उसके बाद क्या कर लेता है उन बालों उनके ऊनों को काट कर उससे वूल प्राप्त कर सकता है। तो ये क्या होता है, क्या ये सही है, नहीं है। अब आ गया हमारा सिल्क, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सिल्क है, अब सिल्क है, सिल्क इज द फाइबर ऑब्टेंड फॉर द एनिमल्स द फाइबर्स। अब जो सिल्क भी हमें पता है एनिमल्स से मिलता है, एनिमल्स के इससे रेशे से मिलता है। अब इससे क्या है, सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स। जो सिल्क वर्म होते हैं, सिल्क का जो कीड़ा होता है वो बुनता है इन सिल्क फाइबर्स को, एंड द रियरिंग इन द सिल्क वर्म ऑपरेटिंग द सिल्क होता है सेरीकल्चर। जो इन सिल्क को पाला जाता है सेरीकल्चर होता है, और जिससे हमें सिल्क मिलती है। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है योर मदर से, आंटी से, ग्रांड मदर से, एंड द काइंड ऑफ द सिल्क साड़ी एंड द दे हैव। भाई हमें देखना है कि जो जो भी हमारे ग्रैंड मदर या आंटी वंटी के पास जो भी सिल्क साड़ी है, हम उसको उसके बारे में जानकारी देखना है, लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, और देखना है कि किस प्रकार की सिल्क होती है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग द सिल्क, सो इट इज़ नेसेसरी टू नो इंटरेस्टिंग लाइफ द हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ।
अब ये जो प्रोसेस है कि किस तरह से सिल्क को मिला मतलब हमें प्राप्त करता है, तो उससे पहले हम उसकी एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं सिल्क मौत की। तो आगे सिल्क मौत जो एक तरह से कीड़ा होता है, अब जो लाइफ लाइफ हिस्ट्री क्या होता है सिल्क मौत, द फीमेल द सिल्क मौत ले एग्स, जो फीमेल सिल्क मौत होती है, जो कीड़ा होता है उसके सिल्क का, तो वो क्या करती है अंडे देती है, फ्रॉम द विच इन द हैज इन द लार्वा, उससे क्या निकलता है लार्वा निकलता है, विच इज द कॉल्ड इन द कैटरपिलर, और जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं उस, या हम सिल्क कीड़ा बोलते हैं। दे ग्रो साइज, वो क्या करता है अपनी साइज को बढ़ाता है, व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, जब वो कैटरपिलर होता है दूसरी स्टेज में पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है तो उसको बोलता है प्यूपा, क्या बोलते हैं उसको प्यूपा। फिर आगे क्या है, पहले लार्वा बना, क्या बना एक लार्वा बना, लार्वा से लार्वा है तो इसी को हम क्या कहते हैं कैटरपिलर बोलते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज में ये प्यूपा बनेगा, प्यूपा बना। इन द फर्स्ट फर्स्ट क्या होता है कि जो विवेन इन द नेट, सबसे पहले क्या होता है कि वो इस नेट को बुनता है टू होल्ड इट सेल्फ, मतलब जिसमें वो अपने आप को वो अपने ही ऊपर क्या बनता है एक जाल्स टाइप में वो बुनता है इस टाइप से अपने कीड़ा। दिस इज द स्विंग, इट इज़ द हेड फ्रॉम द साइड टू साइड, वो क्या करता है अपने सर को हिलाता रहता है कलम साइड बाई साइड, एंड फॉर्म ए फिगर फिगर ऑफ द एट, वो जो कीड़ा होता है वो अपने आप को इस टाइप में इस तरह से ऐसे घुमाता रहता है अपने सिर को एट पोजिशन में। ड्यूरिंग अपीयर ड्यूरिंग इन द मोमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स द फाइबर, अब जब भी वो आठवीं मतलब जैसे वो आठ शेप में इस तरह से करता है तो इससे ही जो कैटरपिलर होता है वो फाइबर उसको निकालता है। अब इसमें जो इसमें ये दिया गया ना, ये देखो ये मेल है ये फीमेल है कैटरपिलर, ये अर्ल्ड का सिल्क मौत है कि जो बड़े हो गए ये सिल्क मौत कीड़ा बनेगा। अब सबसे पहले इसमें देखो ये आया, इसमें एग मलबरी दिया, पहले एग दी ये ला, फिर से क्या बना, अब इसे लार्वा बना, लार्वा ये कैटरपिलर है और कैटरपिलर से क्या बना उसके ऊपर कोकून बना, और उसके अंदर किसकी वो भी उसके मतलब तो सिल्क मौत उसका डेवलपमेंट होगा। अब जो ये क्या करता है जो कैटरपिलर है वो फाइबर्स निकालता है, जो भी ये एट सर्कल को बना के जो भी फाइबर्स निकालता है वो एक प्रोटीन के रूप में होता है जो काफ़ी हार्ड हो जाता है, और जो एयर के संपर्क में आके वो काफ़ी हार्ड चीज़ हो जाती है, और उसके बाद क्या हो जाता है वो क्या बनता है वो हमारा वो हमारा सिल्क फाइबर बनता है। फिर जल्दी क्या होता है कैटरपिलर जो कम्प्लीटली कवर हो जाता है अपने ऊपर सिल्क फाइबर से, अब जो कैटरपिलर होता है वो एट शेप में करते रहता है और उसके ऊपर क्या हो जाता है बहुत सारे जो फाइबर्स बन जाता है और पूरी तरह से कवर हो जाता है। ये फिर इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, द कवरिंग इज द नोन एज द कोकून। अब ये क्या होता है जो कवर्ड होता है ये क्या होता है इसको बोलते हैं हम कोकून बोलते हैं ये, अब इसके अंदर कीड़ा है और इसके ऊपर जो भी जाल बना होता है ये क्या होता है इसके इसको हम कोकून बोलते हैं, कोकून में ही पूरे सारे तरह रेशे होते हैं, उसके अंदर क्या होता है सिल्क मौत होता है या उसका कीड़े का डेवलपमेंट होता है। अपना कोकून द फर्दर डेवलपमेंट इन द प्यूपा इनटू द सिल्क मौत कंटिन्यू इनसाइड द कोकून, अब जो इनसाइड जो कोकून के अंदर ही इसका जो सिल्क मौत का क्या होता है डेवलप होता है, सिल्क फाइबर आर यूज फॉर द वीविंग द सिल्क क्लॉथ, और जो सिल्क के रेशे होते हैं वो हमें किससे होते हैं सिल्क के कपड़ों को बनाने में काम आते हैं। कैन यू इमेजिंग दैट द सॉफ्ट सिल्क यान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कम इज द कंपेरेबल द थ्रेड ऑफ स्टील, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जो ये सिल्क का जो धागा होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है जैसे हमारा स्टील का धागा होता है। द सिल्क यान इन द थ्रेड इज ऑब्टेंड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मौत, अब जो धागा होता है जो सिल्क यान होता है थ्रेड होता है वो हमें सिल्क मौत के कोकून से मिलता है, क्योंकि सिल्क मौत ऊपर से सिल्क मौत अंदर रहता है और कोकून उसके ऊपर रहता है जिसके ऊपर सारे फाइबर्स वो सराउंडिंग होता है। अब इसमें देयर इज़ द वेराइटी ऑफ द सिल्क मौत विच द लुक इज द वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनदर, जो भी वेराइटीज़ होती है सिल्क मौत की बहुत ही अलग अलग मतलब बहुत अलग मतलब डिफरेंट्स होती है एक दूसरे से। द सिल्क यान दैट इज द यील्ड इन द डिफरेंट टेक्सचर, अब जैसे हमारा हमारा जो वो बनाता वूल बनाता अलग अलग टेक्सचर का बनाता अलग डिफरेंट तरीके से बना होता था, इसी तरह जो सिल्क भी होता है हमारा कोर्स होता है कुछ वो हार्ड होता है कुछ स्मूथ होता है कुछ चिकना होता है और कुछ सैनिक चमकदार होता है। दस इज द तसार सिल्क मूंगा सिल्क और कोसा सिल्क, इसको बोलते हैं तसार सिल्क मूंगा सिल्क और कोसा सिल्क आर ऑब्टेंड फ्रॉम, ये सभी कोकून से होते हैं स्पून बाय द डिफरेंट जो अलग अलग तरह के जो मौत अब सिल्क मौत होते हैं वो अलग अलग वैरायटी के होते हैं अलग अलग तरह के वो कोकून को डेवलप करेंगे जिससे हमें वो सिल्क फाइबर मिलेगा। तो मोस्ट कॉमन सिल्क मौत इज द मलबरी सिल्क, सबसे जो सामान्य जो हमें मिलता है सिल्क मौत वो हमारा मलबरी मौत होता है।
मलबरी सिल्क मौत होता है। मलबरी का मतलब होता है सैतूत, जो सैतूत सैतूत के पेड़ पे जो भी हमारे सिल्क ये सिल्क मौत को पाला जाता है उससे उससे जो उसके पत्तों को खा खा के जो भी हो रेशे मिलते हैं उसको मलबरी सिल्क बोलते हैं। अब ये कहते हैं जो फाइबर सिल्क होता है, सिल्क फाइबर फॉर्म द कोकून आर द दिस द मोथ इज द सॉफ्ट। अब जो भी ये सिल्क फाइबर होता है और जो ये मतलब इसके मलबरी के पेड़ पर रह के इन सोल मोथ का डेवलपमेंट होता है, तो इसके जो रेशे होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, लक्चर्स होते हैं, चमकदार होते हैं, शानदार होते हैं, एलासिड्स होते हैं जो आसानी से क्या होते हैं वो लोचदार होता है, आसानी से उसको किसी भी शेप में हम उसको डाल सकते हैं, कैन बी ड्राई ब्यूटीफुल कलर, उसके बाद उसको ड्राई कर लेते हैं अलग अलग कलर में। सैरी कल्चर इन द सिल्क वर्म इज द वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इंडिया। जो सैरी कल्चर है मतलब इन कीड़ों को पालना, सिल्क के कीड़ों को पालना, ये हमारा काफ़ी पुराना ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है भारत का। इंडिया द प्रोसेस द प्लेंटी ऑफ द सिल्क ऑन द कमर्शियल स्केल। जो सबसे ज़्यादा वैसे तो सबसे ज़्यादा मतलब चाइना करते हैं, लेकिन यदि ज़्यादा प्रोड्यूसर करे मात्रा में तो वो हमारी कौन होगी, इंडिया होगी, जो सिल्क सैरी कल्चर में आगे है। अब हमारा एक्टिविटीज 3.5 है। क्लैट द पीसेज ऑफ द सिल्क क्लॉथ इन द वेरियस द टाइप ऑफ द इन द पेस्ट दैम इन द योर स्क्रैप बुक। आपको क्या करना है, अलग पीस सिल्क के कपड़ों के वो इकट्ठा करना है और उनको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाना है। यू कैन फाइंड फाइंड दैम इट इज़ द टेलर शॉप अमंग द हीप ऑफ द वेस्ट कट पीसेज। आप क्या कर सकते हो इस सिल्क को ऑब्टेंड करने के लिए, आपको एक टेलर शॉप की दुकान पे जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो वेस्ट होते हैं अलग बहुत सारे कपड़ों को सिलता है और उसी के द्वारा क्या होता है वहाँ से हमें अलग अलग वैरायटी के सिल्क वो हमें मिल जाएंगे। टेक हेल्प योर मदर, आप अपनी मम्मी की सहायता ले सकते हो, आंटी के टीचर्स की, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, और आप ले सकते हो और आप उनसे पूछ सकते हो कि जो सिल्क है कौन सी मलबरी सिल्क की है, सिल्क है या कौन सी टक्सार सिल्क है या एरी सिल्क है या हमारी मूंगा सिल्क है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ द दिस सिल्क पीछे दैट इज़ आर्टिफिशियल सिल्क द पीसेज। आपको जो भी ये नेचुरल रूप से जो भी इसके टीचर डिज़ाइन दिए हुए हैं, जो इसकी शेप दिया है, तो आपको जो आर्टिफिशियल सिल्क मिलती है उसे कंपेयर करना है। विच द कंटेंट सिंथेटिक्स फाइबर, जिसको हम सिंथेटिक्स फाइबर कहते हैं, हुमन मेड बनी हुई सिल्क। ट्राई इन द क्लैट द पीछे डिफरेंट है द मोथ मोथ सेंट द विच कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ द सिल्क। हमें क्या करना है, ट्राई करना है कि हम इकट्ठा कर सके पिक्चर को, जो अलग अलग मोड से ये कैटरपिलर से हमें अलग अलग तरह की सिल्क मिलती है। अब हमें आया है हमारा एक्टिविटीज 3.6। टेक आर्टिफिशियल, आपको क्या करना है, एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड लेना है एंड द प्योर सिल्क थ्रेड, अ प्योर एक प्योर सिल्क थ्रेड लेना है, एक तो वो लेना है, एंड द बर्न दिस द थ्रेड केयरफुली, और हमें दोनों को चला के देखना है। डिड यू नोटिस एनी द डिफरेंस इन द स्मेल इन द वायलिंग बर्निंग। क्या आप नोटिस करोगे कि जो भी आपको सिंथेटिक्स का जो सिल्क है या हमारे प्योर जो नेचुरल रूप से मिले है, क्या आपको उसकी स्मेल में जब जलती है क्या उसमें कुछ अंतर नज़र आया है। नाउ इन द बर्न इन द वूलन फाइबर द केयरफुली, अब जो वूलन फाइबर्स होते हैं उसको आपको बर्न करना है काफ़ी सावधानी पूर्वक। डिड यू स्मेल लाइक द बर्निंग आर्टिफिशियल सिल्क एंड दैट इज प्योर सिल्क, क्या आपको स्मेल आ रही है जो भी जल रहा है आर्टिफिशियल या उसको प्योर, था आपको प्रैक्टिकल करके देखना है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हमें याद करना है, अब याद करेंगे कि किस तरह से जो हमारी जो सिल्क मौत है वो हमारी कोकून स्टेज तक पहुंचती है। तो इस एक्टिविटीज के द्वारा हम इसको देखते हैं करके, तो ये हमारे 3.7। अब यह क्या फोटो कॉपी फिगर था 3.9, कट इंटू द पीसेज ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड द पेस्ट दैम इन द वन पीस इज द कार्डबोर्ड ऑफ द चार्ट पेपर एंड जम्पल दैम। आपको क्या करना है कि जो भी 3.9 में ये जो इसमें दिया हुआ है ये वाला, तो इसमें जो सारी स्टेजेज है मेल की फीमेल की, अडल्ट सिल्क मोथ है, एग है, मलबरी है, सिल्क वॉर्म है, कोकून है या कोकून में डेवलपिंग मोथ है, तो इसको हमें क्या करना है, तो इसमें दिया है 3.1 में जो भी स्टेज दिया है कि भाई ये जो अडल्ट सिल्क मोथ है ये किस तरह है, तो इससे पहले क्या होगा कि जो ये फीमेल है तो फीमेल इसने जो सिल्क मोथ ने क्या दिया है इसमें एग दिया मलबरी में, फिर इसमें सिल्क वॉर्म बना, सिल्क वॉर्म के बाद क्या बना है सी कोकून बना, और कोकून से क्या होगा वो अंदर ही डेवलपमेंट होगा सिल्क मोथ का। तो ये लाइफ स्टाइल है, इसी ने जो हमारा 3.7 है हमने ये वाले सारे चार्ट पेपर लगाने, सारे पिक्चर कट करके उसको जंपल करना, फिर उसको अरेंज करके उसको देखना है, जो सबसे पहले करेगा वो इसको जीत जाएगा। अब इंडिया में अब इसमें देख लेते हैं हम, ये तो हमने इसमें क्या है, फिर यू मे ऑल्सो द डिस्क्राइब इन द लाइफ लाइफ हिस्ट्री इन द योर
अपन वर्ड आप इसमें एक वर्ड में इनकी लाइफ हिस्ट्री को दे सकते हो, राइट एंड डाउन द योर स्क्राइब बुक में आप उसको कर सकते हो। अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है, इसमें आगे दिया हुआ है कि जो हमारी जो भारत में जो वुमेन है वो काफ़ी वेरियस प्रकार के अलग तरह के इंडस्ट्री में काम करती है सिल्क के प्रोडक्शंस में, और क्या बोलती है क्योंकि वहाँ पे क्या बचे सिल्क फोन के कीड़े पाले जाते हैं और फिर उनको जो सिल्क वो ऑब्टेंट होता है वो उसको रिलिंग किया करती है उसके कोकून से, और उससे क्या बनाती है कि रो सिल्क से फैब्रिक में वो कन्वर्ट हो जाता है बाई देयर इंटरप्राइजेस। और इन जो एंटरप्राइजेस होते हैं सिल्क वॉर्म की इंडस्ट्री होती है काफ़ी काफ़ी योगदान देती है हमारी नेशनल इकोनॉमी। जो चाइना लीड इन द वर्ल्ड इन द सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क के प्रोडक्शन में चाइना सबसे पहले है, लेकिन इंडिया आल्सो द रैंक अमंग्स द लीडिंग इन द सिल्क प्रोड्यूसिंग द कंट्री, लेकिन ये भी अपना एक प्रमुख स्थान रखता है सिल्क प्रोड्यूशन करने के लिए करने में संसार में जो भी कंट्रीज होती है। अब हमारा ये आता है कि फ्रॉम कोकून टू सिल्क, अब हमें ये पता चलेगा किस तरह जो ना कोकून से सिल्क कैसे बनता है, तो ये वाला देखते हैं। फ्रॉम ऑफ डेट द सिल्क मोथ इज द रियर, जो भी सिल्क को पाने के लिए क्या क्या होता है कि सिल्क मोथ को पाला जाता है और देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट इन द सिल्क थ्रेड, और उस जो कोकून से क्या होता है उनके कोकून से हमें सिल्क थ्रेड मिलता है, धागा मिलता है। रियरिंग द सिल्क वर्म्स, अब सिल्क वर्म को पालना, कीड़ों को पालना। अब फीमेल द सिल्क मोथ ले 100 ऑफ द एग इन द टाइम, अब जो सिल्क जो फीमेल जो सिल्क मोथ है वो हमारी कितने हजारों अंडे देती है एक टाइम में। द एग आर द सॉर्टेड केयरफुली ऑन द स्ट्रिप स्टोर इन द केयरफुली ऑन द स्ट्रिप ऑफ द क्लॉथ पेपर, और जो उसके अंडे होते हैं काफ़ी सावधानी पूर्वक स्टोर किए जाते हैं एक किसकी पेपर की या उसकी कहना कपड़े की पट्टी पर। एंड द सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर, और फिर क्या हो जाता है उसको सिल्क वॉर्म के फार्मर को उसको बेच दिया जाता है। द फार्मर द कीप द एग अंडर द हाइजीनिक कंडीशन, और जो ये अंडे होते हैं इसके सिल्क वॉर्म के फीमेल के तो काफ़ी एक अच्छी कंडीशन में रखे जाते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, मतलब टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के अनुसार। एग आर द वर्म टू सुटेबल टेम्परेचर, जो अंडे गर्म होते हैं अपने सुटेबल टेम्परेचर से, और उनसे क्या होता है लार्वा इन द हैच फ्रॉम द एग, और उनसे फिर लार्वा निकलता है अंडों से। दिस इज डन विद द मलबरी, अब ये किसके द्वारा किया जाता है, जो मलबरी है शहतूत के जो पेड़ है उसके द्वारा। बियरिंग द फ्रेश क्रॉप ऑफ द लीव्स, क्योंकि उनके पास क्या क्या होती है काफ़ी काफ़ी अच्छी पत्ते होते हैं, जो लार्वा काट कैटरपिलर जो लार्वा बोलते हैं जिनको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं सिल्क वर्म की उसके कीड़े भी बोलते हैं, तो उसको खाते हैं और दिन और रात खाते हैं एंड इंक्रीज इनमर्सली इन द साइज, और बढ़ते रहते हैं काफ़ी तेज़ी के साथ। अब देखो इसमें क्या है, ये फीमेल है सिल्क वर्म है वो अपने एग देती है, एग के बाद क्या हो जाती है कि जो लीव होती है कैटरपिलर होती है ये मलबरी खाती है, मलबरी की लीव्स खाती है। अब इसमें क्या होती है, अब ये जो ये है ना ये कुछ इस पे पेड़ पे पाली जाता है लीफ और मलबरी होती है मलबरी की, ये मलबरी का पेड़ है शहतूत का पेड़ है, ये कोकून है बहुत सारे, तो ये हमारी क्या होगी रियरिंग द सिल्क वर्म। अब इसमें एक छोटा सा एक हिस्ट्री है कि किस तरह से इसका डेवलप हुआ, डिस्कवरी ऑफ द सिल्क, किस तरह से उसकी खोज हुई हमारे सिल्क की। द एग्जैक्ट टाइम द डिस्कवरी ऑफ द सिल्क इन द परैप्त अननोन, की सही टाइम इसका डिस्कवरी करना अननोन है, जो अज्ञात है जो ठीक तरह से बता नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड द चाइना लीजेंड, जो यदि हम देखें तो पुराना जो चाइना की एक यादगार है, द एम्प्रेस जो एम्प्रेस था उसका सी लुंग ची वा आस्क, उसने बोला अपने पर से अपने राजा से जो हुआंग टी था कि आप फाइंड आउट द कोज ऑफ डैमेज द लीव इन द मलबरी ट्री क्रोनी, की जो उन्होंने अपने गार्डन में जो मलबरी का पेड़ उगाया है उसकी पत्तियाँ डैमेज हो गई है। द अब द एम्प्रेस फाउंड की वाइट वर्म इन द ईटिंग इन द मलबरी लीव, जब उन्होंने देखा पाया कि जो एक सफ़ेद प्रकार का एक जो कीड़ा है जो मलबरी को पत्तों को खा रहा है। सी ऑल्सो द नोटिस डेट दे वर इन द स्पिनिंग द साइनिंग द कोकून अराउंड इट, और जो देख रहा है कि वो वाइट कलर का जो कीड़ा है जो मलबरी लीव्स के ऊपर है तो वो एक तरह से साइनिंग और काफ़ी चमकीला प्रकार का कुछ बुन रहा है अपने ऊपर। एक्सीडेंटली एक कोकून ड्रॉप्ड इनटू द हर द कप ऑफ टी, और जो वो थी उसके चाय में गिर गया वो कोकून था, तो अब उसने क्या कहा एक ट्रेंगल एंड द ए डेलिकेटेड थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून, उससे क्या हुआ जब वो कोकून उसकी चाय में गिरा जो उसकी जो रानी थी तो उससे क्या हुआ कि काफ़ी एक सेपरेट प्रकार का धागा निकला। तो सिल्क इंडस्ट्री तब बिगेन, तभी से क्या हुआ कि वहाँ से सिल्क इंडस्ट्री शुरू हो गई। एंड द वाज कीप्ड इन द क्लोजली गार्डेड सीक्रेट, और काफ़ी टाइम तक उसको सीक्रेट रखा गया इस राज को
काफ़ी सालों तक, लेकिन उसके बाद जो थिएटर थे, व्यापारी थे, ट्रैवल थे, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया इस सिल्क को सभी अलग सब पूरी देश में। द रूट रूट दे ट्रैवल इन द स्टील कार्डर सिल्क, जो भी रूट के द्वारा जो भी वो ले जाते थे उस सिल्क को, तो उसको भी क्या बोलते हैं, सिल्क रूट बोलते हैं। अब आगे हैं द लार्वा आर द कैप्ट इन द क्लीन बैम्बू, और जो लार्वा होता है कभी उसको एक साफ बैम्बू में रखा जाता है, बांस की ट्रे में रखा जाता है, और उसके पास फ्रेशली जो चॉप्ड मलबरी, मतलब जो फ्रेशली ताज़े ताज़े जो कटे हुए थोड़े से मलबरी पत्तों का रखा जाता है। आफ्टर द 25-30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप द ईटिंग एंड द मूविंग द टाइनी द चैम्बर ऑफ द बैम्बू इन द ट्रे इन द स्पिन कोकून। 25 और 30 दिन के बाद वो अच्छी तरह से मलबरी लीव्स को खाकर उसको खाना बंद कर देता है, और फिर उसमें उसके चैम्बर में जो छोटा सा जो चैम्बर होता है उस पर इस बुना हुआ हमें क्या दिखाता है, ट्रे पर हमें कोकून दिखाई देता है। तो स्मॉल रेक एंड द ट्विंग्स मे बी द प्रोवाइड बी ए ट्रे इन द वे कोकून आर गेट। अब उसमें क्या होता है, छोटे छोटे रैक्स बनाए जाते हैं, टहनियाँ बनाई जाती है, ताकि उन ट्रेडों में कोकून को अट्रैक्ट कर सके, टच कर सके। द कैटल पिलर सिल्क वर्म स्पिन द कोकून इन साइड द डबल द सिल्क मोथ, और जो वो कोकून बनाएगा, जो सिल्क मोथ कोकून बनाएगा, इस कोकून के अंदर ही जो ये भी रेशे होते हैं, तो इसके अंदर भी सिल्क मोथ का डेवलपमेंट होता है। अब ये क्या है, इसमें प्रोसेसिंग द सिल्क, किस तरह से सिल्क बना, किस तरह से प्रक्रिया हुई। अब ये कह रहे कि एक पाइल ऑफ द कोकून इज द यूज फॉर प्रिंटिंग सिल्क वूल, एक जो काफ़ी सारा जो ढेर होता है, पाइल का मतलब ढेर होना, काफ़ी ढेर होना कोकून का, वो यूज किया जाता है सिल्क सिल्क के धागों को बनाने के लिए। तो कोकून आर तक कैप्ट अंदर सन, और फिर जो धागे होते हैं कोकून होता है, उनको सूर्य की रोशनी में रखा जाता है, या उसको बॉयल किया जाता है उनको कोकून को, या फिर उनको भाप दी जाती है। अब तक सिल्क जो फाइबर होते हैं सेपरेट किया जाता है, फिर धागों को उनसे अलग किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट अ थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर्म द यूज द सिल्क एंड द रेलिंग ऑफ द सिल्क, और जो इनसे कोकून से जो थ्रेड्स को अलग किया जाता है ताकि हम से धागा सिल्क को यूज़ कर सकते, उसको हम रिलिंग का सिल्क बोलते हैं। द रिलिंग इज द डन इन द स्पेशल मशीन, जो रिलिंग किया जाता है, जो लपेटा जाता है इन धागों को, अलग अलग तरह की मशीनों के द्वारा किया जाता है। विच अनविंड द थ्रेड, जिससे वो थ्रेड खुल जाते हैं, जो रेशे खुल जाते हैं जो सिल्क के होते हैं फॉर्म कोकून से। सिल्क फाइबर आर देन स्पिन, फिर जो सिल्क के धागे होते हैं उनको बुन लिया जाता है सिल्क थ्रेडों में। विच इज़ वॉट वोवन इन टू सिल्क क्लॉथ बाय वीवरिंग, और जो बुनकर होते हैं सिल्क के बुनकर के द्वारा फिर वो कपड़ा बनाया जाता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होगा। यदि आपको अच्छा लगे ये मेरा पढ़ाने का तरीका, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक थैंक यू एंड टेक केयर। एक्टिविटीज 3.2 है, इसमें हमें कलेक्ट करनी है पिक्चर्स एनिमल्स की। वूज हेयर इज द यूज एज द यूज, जिसके जो वाल्स होते हैं वो वूल में वूल की तरह वूल के लिए यूज होते हैं। स्टिक देम इन द योर स्क्रैप बुक, आपको उनको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाने हैं। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, यदि आप मतलब पिक्चर को जो पिक्चर्स होती है इनकी वो पाने के लिए अवेलेबल नहीं है या आपको नहीं मिलती है, तो ट्राई एंड ड्रो देम फ्रॉम द वंस द गिवन इन द बुक। आपको क्या करना है कि जो भी बुक्स में जो भी ये हमें पिक्चर्स दिया है, एंगोरा गोट है या हमारी कैमल्स की है, तो आप उसको ड्रॉ करके इसको देख सकते हो।